हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जैसे कि आपने और आज का जो है न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है फिल्टर्स को लेकर, साथ ही साथ सॉर्टिंग, और यहाँ पे मैं आपको इमेज एडजस्ट करना सिखाऊंगा, मल्टीपल इमेजेस। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि हम इमेजेस को कैसे एक्सेल की शीट में ऑटोमेटिकली कैसे इसको एडजस्ट करें, वो भी मल्टीपल इमेजेस को। क्योंकि अगर हमारे पास इमेज एक है, दो है, चल जाता है, लेकिन हमारे पास अगर 100, 150, 1000 में हो तो कैसे उसको हम एडजस्ट करें। तो ये सारी की सारी इमेजेस में आज आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा, साथ ही साथ सॉर्टिंग और फिल्टर करना भी सिखाऊंगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा खास टॉपिक है। और यहाँ पे हमने टेबल जो तैयार करके रखी हुई है, टेबल को तैयार करके रखने का मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा समय ना ले सकूं और आपको जो प्रॉपर तरीके से जो भी वर्क है, जो फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, जो भी कमांड यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपको बता सकूं। क्योंकि हमारे लिए जो जरूरी है वो फंक्शंस है, फॉर्मूलाज हैं, कमांड्स हैं। क्योंकि टेबल तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरह की टेबल बनानी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना, तो इसमें आप एंड तक देखिएगा और सीखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। कि बहुत से लोग स्किप करके देखते हैं, उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ कमांड फंक्शन छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और कहते हैं कि गलती हो गई, और फिर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करते हैं। तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम और बिल्कुल रिलैक्स होकर समझाता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम जो करने जा रहे हैं फिल्टर प्लस शॉर्टिंग प्लस एडजस्ट मल्टीपल इमेज एडजस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो क्लास है आज की जो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है, तो मैं ये जो पिक का जो कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको एडजस्ट इमेजेस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पिक का जो सिलेक्ट कर लिया है, अब उसके बाद मैं फॉर्मेट पे आता हूँ। फॉर्मेट जो होम पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे रो हाइट शो हो रही है, रो हाइट के जो साइज जो दिख रहा था यहाँ पे, यहाँ पे हम उसको चेंज कर देते हैं। जो बाय डिफॉल्ट था उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने 100 कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम विड्थ, जो इसका यहाँ पे साइज जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको 15 रख दिया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो साइज है इमेज का वो आ चुका है। देखिए ये इस तरह से हमारे पास जो टेबल है और जो इमेज का जो साइज है पूरा एक्चुअल आ चुका है। तो यहाँ से आप इस तरह से इजीली चेंज कर सकते हैं, आपको वन बाय वन नहीं करना, आपको ये इजीली यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कू टूल्स प्लस। कू टूल्स प्लस क्या है, एक एडिंस है जो कि एक वेबसाइट से मिल जाती है आपको। यहाँ पे फ्री कू टूल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इनके खुद के कुछ मेन्यू बार में खुद के कुछ कमांड फंक्शंस हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसका लिंक जो है अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको अगर देखना हो तो आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद मोर पे आने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे शो हो रहा है एडिंस, तो ये एडिंस जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कुटूल्स हो आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ से आप गो से जाके मैनेज भी कर सकते हैं, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपली आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड करना है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक्सेल पूरी तरह से बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा से इसको आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो मेन्यू बार में जो है ये कुटूल्स प्लस जो है यहाँ पे नजर आने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसने खुद के जो कुछ कमांड फंक्शन बना रखे हैं, यहाँ पे पेंसिल डिजाइन कर रखा है। यहाँ पे ये इसलिए लिया है हमने एडिंग, ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे और प्रॉपर तरीके से कर लें। क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें वीबीए कोडिंग और मैक्रोस के थ्रू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों कोडिंग से आप बच जाएंगे। ना ही आपको मैक्रो का यूज करना पड़ेगा, ना ही आपको यहाँ पे वीबीए कोडिंग का यूज करना पड़ेगा। तो विदाउट वीबीए कोडिंग यूज करना चाहें तो आप इस वीडियो को देखें और सीखें। चलिए अभी कुटूल प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे आता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट पिक्चर्स है, तो आपको इम्पोर्ट पिक्चर्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि आपको दो जो भी इमेज जैसी भी इमेज लेनी है, वर्टिकली लेनी है तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टली। फिलहाल हमें अभी वर्टिकली लेनी है, और हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और फाइल पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे आपके सारी इमेज हो रही होंगी। अब ये क्या करेंगे, हम इसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ओपन कर देंगे, तो ये इमेजेस जो हैं सारी की सारी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे ओके करना है और ओके करने के बाद आपको जिस भी कॉलम से स्टार्ट करना है, सेल से स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जैसे क्लिक करते ही देखिए सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो जो ऑटोमेटिकली जो टेबल में एडजस्ट हो चुकी हैं अपने नेम के अकॉर्डिंग पे, नेम के आधार पर। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले से ही जो नेम है आपको उस तरह से लेना है जिस तरह से आपकी फोटोज जो हैं लगी हुई हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी इमेजेस जो हैं बिल्कुल ही उसी रो और कॉलम में आएंगी और उसी सीरियल वाइज आएंगी जिस सीरियल वाइज से आपने नेम और कॉलम ले रखे होंगे। तो आपको बस ये याद रखिएगा कि जो भी आपने नेम ले रखे हैं वो बिल्कुल सीरीज वाइज सीरियल वाइज लेने हैं, ताकि आपकी जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से उसी नेम के साथ वो इमेजेस आ जाए। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें डेवलपर पे जाना होगा। अगर डेवलपर कमांड अगर आपके एक्सेल में शो नहीं हो रहा होगा, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने कई बार मैंने बताया भी है लेकिन फिर भी बताया, तो जो इस चैनल पे नए हैं वो देखें और प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत तुरंत मिलती रहे। तो देखिए आपको करना क्या है, फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद मोर पे और यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा। ऑप्शन जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना होगा। कस्टमाइज रिबन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस साइड में, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको जो है डेवलपर कमांड ये यहाँ पे ये शो टिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद ये ओके कर देना है, तो आपको यहाँ पे डेवलपर कमांड जो है ये शो होने लगेगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे और मोर कमांड पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास डेवलपर कमांड यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करना है। यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको मैक्रोज पे क्लिक करना है। मैक्रो पे क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की यहाँ पे जनरेट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच यहाँ पे प्रेस कर लिया है, शॉर्टकट कमांड बना लिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस वर्कबुक और उसके बाद यहाँ पे हमने ओके प्रेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें आना है और जो इमेज जो साइज है फॉर्मेट पर हम आए, और इमेज जो साइज यहाँ पे हमारे पास हाइट और विड्थ लेनी है, तो हमने हाइट ले ली 1.71 और विड्थ ले ली हमने यहाँ पे 1.9। तो अब जैसे हम एंटर मारते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाता है। तो अगर ये देखिए अब यहाँ पे ये इमेजेस एडजस्ट हो रही हैं, अगर हमें सबको एक साथ करना है तो हम सबको एक साथ भी कर सकते हैं। तो हमें दोबारा से इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमने सेव कर दिया, हमने यहाँ पे शॉर्टकट कमांड बना लिया था। यहाँ पे चाहे तो आप इसको नॉर्मली करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें सबको एक साथ देने के लिए हमने यहाँ पे मैक्रो का यूज कर लिया है, ताकि हम यहाँ पे सीधा सीधा कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे और ये इमेज जो है ऑटोमेटिकली यानी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती चली जाएगी, यानी कि आपको बार बार इमेज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा वही है कंट्रोल, और साथ साथ हमने यहाँ पे एस ए का यूज करा, और कंट्रोल ए जब यूज करेंगे तो यहाँ पे दूसरा कमांड है ये, और उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो सारी इमेजेस एक साथ एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो भी रूल अपनाना चाहें, जो भी फंक्शन, यानी कि मैंने आपको पहले एक सिंगल करके दिखाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिर दूसरे को लिया, अब यहाँ पे मैंने क्या करा सबको एक साथ लेके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही समझा रहा हूँ आपको। तो प्लीज आप वही वीडियो देखें जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपके लिए जो फेक वीडियो ना हो, क्योंकि बहुत सी वीडियो मैं देखता हूँ और देखे हैं, कई लोगों के कमेंट भी पढ़े हैं, तो वो क्या करते हैं लिखते कुछ और हैं, थंबनेल में आप कराते कुछ और हैं। यहाँ पे आपको जो भी दिखाया जाएगा, जो भी लिखा जाएगा, बिल्कुल वही प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, ताकि आप उस चीज को सीख सकें। फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधारने की, इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो देखिए हम फॉर्मेट पर आते हैं। फॉर्मेट पर जाने के बाद हम रो हाइट पे क्लिक करेंगे, और रो हाइट पे क्लिक करने के हमने बाद हमने 131 पे क्लिक करा। 131 हमने जैसे टाइप करा, अब देखिए ये जो हमारे पास जो रो है वो पूरी पूरी एडजस्ट हो चुकी है। तो है ना कमाल का, जो कि आज मैं आपको जो प्रॉपर तरीके से सिखा रहा हूँ, जो कि अभी किसी ने भी नहीं सिखाया, क्योंकि बहुत से लोग ले लेते हैं इमेज पहले से ही, वो कट पे कट कर लेते हैं, उसका साइज कभी किसी का साइज ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है,
तो बहुत से लोग पहले से क्रॉप करके रखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कोई फोटो क्रॉप करके नहीं रखी हुई है, और बिना क्रॉप करे, और मैं आपको पूरा का पूरा ये एडजस्ट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो इसको पहले से क्रॉप करके रख लेता, और सीधा सीधा यहाँ पे मैं यहाँ पे जिसको एडजस्ट पे क्लिक करता और वो सारी सारी फोटो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती। लेकिन मैं यहाँ पे वही फोटो बड़ी भी सकती है, छोटी भी सकती है, साइज जो भी सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एडजस्टमेंट करना सिखा रहा हूँ, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इस पूरे शीट, जो हमने जो भी डाटा ले रखा है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट टेबल पे जाते हैं। ये फॉर्मेट टेबल इसलिए गया है कि जो भी आपको थीम अच्छी लग रही है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने टेबल को उस तरह से डिजाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरह से ये डिजाइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि फिल्टर हमारा लग चुका है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइट नजर आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, डार्क वाला ले लेते हैं पोर्शन, ताकि आपको ये प्रॉपर नजर आ जाए। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पूरा आईडी वाईडी जो भी है पूरा प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर, फीस, मंथ। अभी आप पिक पे हमने क्लिक करा, उसके बाद हमने दोबारा से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। अब हमें क्या करना है कि राइट क्लिक करना है। अब उसके बाद हमने राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। साइज एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो तीन यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रॉपर्टीज पे, मूव एंड साइज विद सेल, मूव बट डोंट साइज विद सेल, डोंट मूव और साइज विद सेल। तो हमें क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, मूव एंड साइज विद सेल। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे, तो ये जो है हमारे पास पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे आना स्टूडेंट नेम पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जी के हमारे पास आया नेम हो रहा है। अब इसको हम अगर सॉर्टिंग करना चाहिए, इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे ए टू जेड कर लिया यहाँ पे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेटिकली ए टू जेड। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करा, देखिए हमारे पास दो इमेजेस हमने नहीं ली थी, तो इसलिए दो इमेजेस हमारी शो नहीं कर रहा। अब ये इमेज के हिसाब से जो है ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे ये शो होने लगा है। ये आपको पूरा इसलिए करके दिखाया और इमेज मैंने इसलिए छोड़ी ताकि आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से ये नजर आ जाए। अब ये देखिए अल्फाबेटिकली हमारे पास लग चुका है, इसको हमने सॉर्टिंग बोला था। अब इसको हम जेड टू ए करेंगे, तो जेड टू ए करा तो देखिए यहाँ पे ये इसके हिसाब से ये एडजस्ट हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करना सीखा और यहाँ पे हमने एडजस्ट इमेज करना सीखा। तो ये हम प्रॉपर तरीके से आज मैंने आपको जो बताया है इसको आप ध्यान से देखिएगा, रिपीट करते रहिएगा, और हमारी जो डेली लाइव क्लास है एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स क्लास है, और डेली नए नए टॉपिक लेकर आऊंगा मैं 4 to 5, आप देखिए और सीखिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो हम उससे ज्यादा और मोटिवेटेड होंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि कैसे फिल्टर किया जाए, फिल्टर भी मैंने आपको कमांड बता दिया। साथ ही साथ देखिए जो ऊपर शो हो रहा है ये फिल्टर्स हैं, आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं आपने नेम के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स नेम। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा सिलेक्ट ऑल, और मुझे चाहिए खाली बॉबी का डाटा था, मैं बॉबी पे क्लिक करूंगा, या और मुझे मनीष का डाटा चाहिए तो मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो मनीष और बॉबी, यहाँ पे हमारे पास जो हमने बॉबी की इमेज जो है नहीं ले रखी थी, हमने छोड़ रखी थी, तो इसलिए यहाँ बॉबी की इमेज नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे हमने एक फिल्टर करा, अगर हमें यहीं पर हमारा गीता अगर हम ऐड कर लेते हैं और बॉबी को हटाते हैं, तो देखिए हम जैसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस हैं वो आ गई हैं। तो ये मैंने इमेजेस जानबूझकर छोड़ी ताकि आपको जो भी इमेजेस आप लेते हैं तो आपको मैं दिखाने के लिए करा है कि ताकि जो भी इमेजेस और फोटोज हैं वो प्रॉपर तरीके से शो हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सी एक्सेल की फाइल में देखी है कि भाई नेम चेंज हो रहा है तो फोटो चेंज हो रही नहीं हो रही, फोटो चेंज हो रहा तो नेम चेंज नहीं हो रहा, तो बहुत जगह मिस्टेक्स पाई गई हैं। तो उन्हीं मिस्टेक्स को दूर करते हुए मैंने यहाँ पे आज आपको दिखाया सिखाया सॉर्टिंग प्लस फिल्टर प्लस इमेज एडजस्ट करना, वो मल्टीपल इमेजेस। तो स्टूडेंट्स आपको एक ही क्लास में आपको तीनों के तीनों जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिले, कमांड्स मिले, काफी अच्छे फॉर्मूलाज फंक्शंस मिले। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करेगा और हम और सब वीडियो से ज्यादा ज्यादा वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और डेली 4 बजे आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी, तो प्लीज ज्वाइन करें क्लास को और सीखें, और
वर्क फ्रॉम होम और डाटा एंट्री जॉब करें, क्योंकि आगे के जो कोर्सेस हैं वो बहुत ही लाजवाब कोर्सेस हैं जिन्हें सीखकर आप अच्छी से अच्छी जॉब कर सकेंगे स्टूडेंट्स। और मेरे जो भी दोस्त हैं जो भी इससे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम लेकर आऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको डाटा एंट्री, स्कूल मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यानी कि कई सारे मैनेजमेंट जो है रिलेटेड कोर्सेज लेकर आऊंगा जो डाटा एंट्री से रिलेटेड होंगे। साथ ही साथ कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज, डैशबोर्ड, वीवीए, मैक्रोज, ये सारे के सारे टॉपिक आपको लेकर कराता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।